हे गाइस, आज मैं बना रही हूँ मैंगो आइसक्रीम। यहाँ पर मैंने ली है नॉन डेरी चिल्ड व्हिपिंग क्रीम। ये स्वीटेंड व्हिपिंग क्रीम है, इसे आप हैंड विस्कर से भी बना सकते हैं। पीक्स आ चुकी है, अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और यहाँ मैंने लिया है एक कप मैंगो प्यूरी। मैंगो प्यूरी हमें मीठे आम की बनानी है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना हम ब्लेंड करेंगे उतनी ही अच्छी आइसक्रीम बनेगी। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप मैंगो क्यूब्स। मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम यूज की है, आप उसकी जगह फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। और अब इसे हम फ्रीजर में रख देंगे। यहाँ मैंने एल्युमिनियम मोल्ड का यूज किया है, आप उसकी जगह किसी एयरटाइट बॉक्स में भी इसे रख सकते हैं, पर एल्युमिनियम बॉक्स में आइसक्रीम जल्दी बनके तैयार हो जाती है। और इसमें थोड़े से मैंगो क्यूब्स डालेंगे। और अब हम इसे किसी एल्युमिनियम फॉइल से अच्छे से कवर कर देते हैं ताकि बाहर की एयर अंदर ना जाए। और इसे ओवरनाइट के लिए हम फ्रीजर में रख देंगे। अब तो देखिए आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी है। और अब बारी है इसे सर्व करने की। बहुत अच्छी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है, एकदम मार्केट जैसी। आप भी ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कि आपने कौन सी क्रीम से आइसक्रीम बनाई है, फ्रेश क्रीम से या व्हिपिंग क्रीम से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एंड एंजॉय आइसक्रीम।